हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं आई टेक, आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे आई होप। और सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए घर में रहिए सुरक्षित रहिए। और मैं आज आपसे कुछ बताने वाला हूँ कि आप अपने डिलीटेड मैसेज को, जो किसी ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसको कैसे वापस ला सकते हैं। तो ज़्यादा बोल बचन नहीं देंगे और वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लीजिए, मैं एग्जांपल में आपको बताता हूँ। समझ लीजिए, आपका आपके एक दोस्त हैं, उन्होंने आप वो ऑफिस में काम करते हैं, आप भी उसी सेम ऑफिस में हो। अब उन्होंने कुछ मैसेज आपको भेजा है और उसको डिलीट कर दिया। आपका नेट बंद था, नेट बंद होने की वजह से आप मैसेज आपके पास आया, उन्होंने भेजा, वहाँ से सेंड हुआ, लेकिन आपके पास आया नहीं और उन्होंने डिलीट एवरीवन गलती से कर दिया। वो एक ही वन टाइम मैसेज था, वो डिलीट हो चुका है। उसके बाद ना वो वापस भेज सकते क्योंकि उन्होंने अपने डेटा से भी डिलीट कर दिया। अब आपको मैसेज आएगा नहीं, अब परेशान हो जाएंगे, फिर उनको कहेंगे वापस भेजिए, लेकिन वो कहेंगे भाई मेरे पास तो ये आखिरी मैसेज था, मैंने तुम्हें भेज दिया और ये डिलीट हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे और यार फिर सोचेंगे, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे उसकी चीज़ों का, लेकिन वो अल्टरनेटिव मिलेगा नहीं। ये सब ना हो इससे पहले ही आप एक एप्लीकेशन है जिसको मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी जानें। कुछ लोग जानते होंगे, मेरे व्यूअर्स जो मुझे जानते हैं वो लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है, जो जानते हैं उनके लिए भी वीडियो है, जो नहीं जानते उनके लिए भी वीडियो है। तो ये वीडियो में ऐसा है, मैं मतलब आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आप जैसे जाएंगे, वहाँ WMR ऐप एप्लीकेशन आएगा, आपको उसे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सारे जो नोटिफिकेशन परमिशन है जो भी सब एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको वो जो भी मैसेज होगा, कोई भी मैसेज आपको लाइफ टाइम कोई भी आता है, मैसेज हो, फोटो हो या फिर वीडियोस हो, कुछ भी हो, तो आपको अगर आपका सामने वाला कोई भी है, सामने थर्ड पार्टी का पर्सन कोई भी है, अगर आपको मैसेज करके डिलीट मार देता है, फिर भी आप जाके WMR में चेक कर सकते हो मैसेज क्या है। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं समझाने जाऊँगा तो कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। जो समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, जो थोड़े बहुत हैं अकल के कच्चे वो नहीं समझ पाएंगे। तो अगर नहीं समझ पाए तो उनके लिए मैं प्रैक्टिकली बना दूंगा वीडियो, और बना रहा हूँ मैं। इसके बाद हम वही बताएंगे प्रैक्टिकली कि क्या करना है आगे। तो चलिए प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको, स्क्रीन पर चलते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर। ये हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल है। तो इसमें जो भी मैं करूँगा आपको पीछे बैक स्क्रीन पे दिखाएगा। तो हमको फिलहाल जाना है, तो मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता हूँ अपने और मैं प्ले स्टोर चालू करता हूँ। जी हाँ, प्ले स्टोर पे आपको जाना है, वहाँ लिखना है WAMR। तो मैं जैसे एज इट इज़ लिखूँगा वैसे आपको भी लिखना है WAMR। और ये आप जैसे सर्च करेंगे तो आपका सेकेंड रो में दिखाएगा, जो 10 मिलियन डाउनलोडिंग है उस पर जाना है। आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने में मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा, आपकी नेट स्पीड पर क्या डिपेंड करता है किस तरह का टाइम लगेगा। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलो डाउनलोड होने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको कुछ परमिशन मांगेगा, आपको बस अलाउ करना है। जो जो परमिशन मुझे मांगेगा मैं आपको बताते जाऊँगा। तो पहला इसका पेज है, उस पर आएगा डिस्क्लेमर, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आएगा हेलो मैसेज VMR की तरफ से, उसको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। उसके बाद देखिए खासियत इसकी क्या है कि इसमें व्हाट्सएप के अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस, जियो सावन, यूट्यूब, आप तमाम जितने भी हैं ऐप है एप्लीकेशन जिन पे मैसेज आते जाते हैं, आप उन सब का डिलीट एवरीवन मैसेज पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए मैं व्हाट्सएप पे रखता हूँ, तो व्हाट्सएप में मैं क्लिक करता हूँ, उस पर नेक्स्ट दबाता हूँ। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ आपको बताएगा कि कैसे, मतलब आपको पूरा डेमो दिखा देगा कि किसी ने मैसेज जॉन अपिलिस उन्होंने मैसेज किया है, उसके बाद उन्होंने डिलीट मार दिया, फिर WMR में उसका नोटिफिकेशन आ गया। तो इस तरह हमारा भी ऐप काम करेगा। उसके लिए हम नेक्स्ट दबा देते हैं, फिर एक और नेक्स्ट दबाते हैं। उसका देखिए मल्टीमीडिया फाइल्स, इसको आपको इनेबल कर देना है, इसमें आपकी कोई डेटा लीक नहीं होगा, तो आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन रीडर है, जो आपका नोटिफिकेशन ऊपर आएगा वो बताएगा, तो आपको उसको भी इनेबल कर देना ताकि आपको पता लगे क्या मैसेज डिलीट हुआ है। तो मैं उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस में आपको जाना है सेटिंग में, जो अपने आप वो रिडायरेक्ट कर देगा पेज, आपको वहाँ जाना है और आपको VMR पे अलाउंस कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना है, उसके बाद आपको यस यस करते करते आपको अलाउ अलाउ फाइनली कर देना है। अब देखिए यहाँ कुछ मैसेज नहीं आया, तो मैं अपने व्हाट्सएप पे जाता हूँ, वहाँ मेरे एक फ्रेंड है जेफ जो मुझे मैसेज करेंगे, तो उन्होंने हाई लिख के भेजा, आप देख सकते हैं हाई लिख के भेजा, अब वो डिलीट मार देंगे। मैंने पढ़ लिया फिर भी वो देखिए डिलीट मार देंगे। अब यहाँ से वो डिलीट एवरीवन करेंगे, डिलीट एवरीवन करने के बाद ऐसा होगा कि मैसेज पूरा चले जाएगा मेरी तरफ से। मैसेज जाने के बाद अब ऐसा सेम आपके साथ भी होगा, जो डिलीट एवरीवन देखिए मैसेज हो गया, लेकिन ऊपर बिल्कुल ही जिसे उन्होंने डिलीट किया वैसे ही तुरंत उसकी हेडिंग पे आपको मैसेज आ गया है कि आपके जो फ्रेंड उन्होंने ये मैसेज किया था। आप जाके WMR में वापस जाएंगे, जाने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं, WMR में जाने के बाद आप वहाँ देख सकते हैं कि क्या मैसेज आया है। तो उसके बाद जाने के बाद देखिए मैं जाता हूँ, मैं आया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कि उन्होंने हाई लिख के भेजा था मुझे, लेकिन वहाँ से व्हाट्सएप से वो मैसेज डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह आप फोटोज़, वीडियो सब भेज सकते हो। तो मैं अभी अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि वो मुझे फ़ोटो भेजें,
तो कोई फ़ोटो भेजते हैं, देखिए यहाँ फ़ोटो आया, मैंने इसको रीड भी कर लिया, देख भी लिया, अब उसके बाद लेकिन यहाँ से हट चुका है, फिर भी आ गया मैसेज। यहाँ देखिए यहाँ स्क्रीन पे वो, अब मैं जाऊँगा बैक करूँगा, यहाँ मैं एक आपको मैसेज के जस्ट बाजू में आपको स्लाइड करना है, टैब बार उस पर स्लाइड करना है, उसके बाद आपको मैसेज दिख जाएगा, फ़ोटोज़ दिख जाएंगे। तो देखिए यहाँ फ़ोटोज़ उन्होंने जो भेजा था, फ़ोटोज़ मुझे आ गई हैं। तो इसी तरह आप अपने ऐप का इस्तेमाल करके, और जो भी डिलीटेड मैसेज है, आपको कोई मैसेज करता है, डिलीट करता है, वो आपको वापस ला सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उन्हें, उनको पता भी नहीं लगेगा कि आपने उनका मैसेज पढ़ चुका है, उनको लगेगा कि यार ये तो डिलीट कर दिया मैंने और उन्होंने कुछ पता ही नहीं। और ये आपके ऑनलाइन ना रहने के बावजूद भी आपको ये मैसेज रीड होगा, आप रीड कर सकते हैं। समझ लीजिए आप ऑनलाइन नहीं है, कुछ देर बाद आते हैं, कुछ लोगों ने आपको मैसेज किया, उन्होंने सब डिलीट कर दिया आपके साथ, फिर आप आते हैं उस ऐप पे, VMR पे आते हैं, वहाँ चेक करते हैं, अरे यार अच्छा इन्होंने ये मैसेज किया था मुझे, उससे आपको पता लगेगा, आपको इतला हो जाएगी क्या करना है। तो बस इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को, और आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी हम AI टेक लोगों तक पहुंचेगा, और लोगों तक जब पहुंचेगा तो उनको जानकारी मिलेगी, और जानकारी मिलेगी तो आपको पता है, जानकारी जब आपको भी मिलती है तो आपको कैसा लगता होगा, मतलब एक लगता है कि हाँ मुझे नॉलेज है किसी बारे में, मुझे कुछ पता है, ऐसे सब लोगों को लगना चाहिए, हाँ मुझे किस चीज़ के बारे में पता है। ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ सबको डिजिटल होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं, गुड बाय।